स्वागत है। आइए देखते एक नजर हेडलाइन पर। देवास में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोग की मौत। छात्र से छेड़छाड़ में गिरफ्तार प्राचार्य। पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। देवास में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोग की मौत। देवास से जिले के खातेगांव नस्तरुलागंज मार्ग पर दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार शादी समारोह से शामिल होकर वापस लौट रहा था, तभी उनकी ऑटो पुलिया नीचे गिर जाने से दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिला पुरुष सहित बच्चे भी शामिल थे। दुर्घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज इंदौर में चल रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक स्कूल प्राचार्य छात्र के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्राचार्य ने छात्र के साथ अश्लील बात कर और फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती की। पुलिस ने बताया कि छात्र की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के सम्मान में बनाए गए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भाकरे और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में अमर ज्योति को प्रज्वलित कर स्मारक का राष्ट्रीय को समर्पित किया है। इससे पहले सर्वधर्म प्रार्थना की गई। उसी समय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर ने फ्लाइट पास्ट किया और पुष्प बरसाए। पीएम मोदी ने आगूत पुस्तिका में लिखा, राष्ट्रीय समर स्मारक हमारे सैनिकों को वीरता का त्याग और शौर्य का प्रतीक है, जिस पर हम भारतीय गर्व की अनुभूति करना रहेगा। यह स्मारक हमें देश के लिए पल पल जीने एवं कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता रहेगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस।